तो तीन तलाक को लेकर हमारी एक खास पेशकश आगे जारी है और आपको बताएं कि बरेली की अब जरा बात कर लें। बरेली की शबीना की कहानी आप सुनेंगे तो यकीनन आप भी सवाल पूछेंगे कि आखिर उसका कसूर क्या था। शबीना को उसके पति ने सिर्फ इसलिए तलाक दे दिया क्योंकि उसने अपने पति को दूसरी औरत से बात करने से रोक दिया था, इस वजह से तलाक दे दिया गया। बरेली की शबीना भी उन हजारों महिलाओं में से एक है जिनकी जिंदगी तीन तलाक ने नरक कर दी। अपने पति के जुल्म के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई लड़ रही शबीना दफ्तरों के चक्कर काट रही है। वो सिर्फ एक सवाल का जवाब जानना चाहती है कि आखिर उसका कसूर क्या था। शबीना को उसके पति ने अपनी प्रेमिका के लिए तलाक दे दिया है। शबीना का आरोप है कि शौहर के किसी दूसरे औरत से रिश्ते थे। वो फोन पर अपनी प्रेमिका से बातें किया करता था। शबीना ने मना किया तो पति ने उसे तलाक दे दिया। मेरा मामला यह है, मेरे पति के लड़कियों से नाजायज संबंध है। वो लड़कियों से फोन पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे रात और दिन लगा रहता है। मेरे बच्चे न होने की वजह से उनने मुझे बहाना करके छोड़ दिया है। समय वो फोन पे बात कर रहा था, मैंने उसे रोका तो उसके बाद में उनने मुझसे बाहर से आके यही कह दिया कि ज्यादा करेगी तो आप सुन ले कि मैंने तुझे तलाक दिया। शबीना को तलाक देने के बाद भी पति का गुस्सा खत्म नहीं हुआ। पति ने उसे तीन दिन तक घर में कैद कर भूखा प्यासा रखा, उसके साथ मारपीट की। शबीना ने किसी तरह अपने ऊपर हो रहे जुल्म की खबर मायके वालों को दी, किसी तरह अपने घर पहुंची, अब इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। तीन दिन घर में बंद रखा भूखा प्यासा, उसके बाद मेरे घर वालों किसी वजह से पता चला तो मेरे घर वाले मुझे वहां से बाहर निकाल कर लाए, अपने घर लाए। तो उसके बाद भी मेरे घर वाले उसके घर वालों से बात करने गए, उन लोगों ने कहा कि हमें उसे नहीं रखना है, आप जैसे चाहें वैसे कर लें। शबीना तलाक के बाद इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है तो हाथरस की निकी उस गम से दो चार है जिसे तलाक का खौफ कहते हैं। निकी की शादी धूमधाम से हुई थी, घर वालों ने अपनी हैसियत से ज्यादा दहेज दिया था, लेकिन ससुराल वालों को और ज्यादा पैसा चाहिए था, इसलिए पहले उसके साथ मारपीट हुई, फिर जिंदा जलाने की साजिश रची गई। अब पति उसे तलाक की धमकी दे रहा है। किसने मारा पीटा है? दहेज के लिए? क्या कहते हैं? तलाक तलाक तलाक, ये महज तीन शब्द नहीं है, ये वो बदनसीबी है जिसका बोझ महिलाएं उठाती हैं। आज सवाल ये कि आखिर इन महिलाओं को तीन तलाक के इस दर्द से मुक्ति कब मिलेगी। बरेली से सुबोध मिश्रा के साथ दीपेश शर्मा, इंडिया 24/7, हाथरस।